हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। रेलवे की तरफ से फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आखिरकार 1/19 यानी 19 का जो है वैकेंसी आ चुका है। सबसे पहला वैकेंसी ये आपको जितने भी जोन है RRB के उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशंस। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फुल नोटिफिकेशन मैं रखा है डाउनलोड करके। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से आ चुका है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि 1/19 है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम की। तो जो पब्लिकेशन से RRB वेबसाइट पे जो 28 तारीख को ये हो चुका है, और जो ऑनलाइन फ्रेंड्स ये आपका 1 मार्च निकल से ये शुरू है आपको शाम के 4 बजे से, और क्लोजिंग जो होगा ये फ्रेंड्स ये आपको 31 मार्च के रात 12 बजे तक होगा। और क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर पेमेंट जो होगा, पेमेंट के लिए अभी यहाँ पर नीचे दिया गया है, ऑनलाइन अगर आप करते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, UPI से, तो आपको 5 अप्रैल तक रहेगा ये 12 बजे रात तक, या SBI चलान या पोस्ट ऑफिस से कहीं से भी करते हैं तो आपको ये वही रहेगा 5 अप्रैल तक। और जो फाइनल सबमिशन डेट है एप्लीकेशन का, वो रहेगा आपको 12 अप्रैल तक। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CB टेस्ट पहला एग्ज़ाम, वो आपको जून से लेकर सितंबर के बीच में 19 में ही ये आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोग भरेंगे, इस वजह से थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की और पोस्ट की, कौन से पोस्ट हैं, क्या लेवल है, क्या सैलरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी जो कि आपका 12th पास के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है एज होना चाहिए आपको 18 से 30 साल के बीच में, 1/7/19 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं, इसमें 5 तरह के जो पद हैं। इसमें पहला जो है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट्स कम क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इस सबका जो है आपका लेवल जो है 7 CPC के अंदर, 1 से 4 तक का 2 है और 5वां का 3 है। सैलरी यहाँ देख रहे हैं, इनिशियल पे 19,900 है सबका, बाकी जो 1st नंबर पे है कॉमर्शियल उसके लिए आपको 21,700 है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो टोटल वैकेंसी बात कर ले तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 4,319 पोस्ट हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 760 हैं, जूनियर टाइम कीपर के लिए 17 हैं, ट्रेन क्लर्क के लिए 592 हैं और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 4,940। यानी टोटल जो फ्रेंड्स 10,628 पद हैं ये अंडर ग्रेजुएट के लिए। और आप बात कर लेते हैं ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, इसमें भी आपको एज होना चाहिए 18 से 33 साल के बीच में, उसमें था 18 से 30, इसमें है 18 से 33। ठीक है, और इसका जो गणना होगा उम्र का वो 1/7/19 तक होगा। इसमें आपको 8 तरह के पोस्ट हैं। पहला जो है फ्रेंड वो है ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि 7 CPC में 4 लेवल का है, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 88 है। गुड्स गार्ड का है वो फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी है 5,748, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है 5,638, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो वो है 2,873, जूनियर अकाउंटेंट एक असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए है 3,164, सीनियर टाइम कीपर के लिए आपको 14 से मात्र, और यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए आपको 259 हैं, और स्टेशन मास्टर के लिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कितना है 6,865, यानी कुल जो यहाँ मिलाकर है 24,649 पद हैं ये ग्रेजुएट वालों के लिए। ठीक है फ्रेंड, और जो SC ST OBC वगैरह जो है नॉन क्रीमी लेयर में, ये आपका सेंट्रल वाला, उसमें आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक खास बात दिखा दूँ कि जो लोग फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो वो आपको अप्लाई नहीं कर सकते हैं साफ साफ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में करते हैं जिनमें मैं यहाँ पर बता दिया साफ साफ। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, 71 पेज का है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जरूरी है, मैं वो सब बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है माल प्रैक्टिस, यहाँ बैंड आइटम कौन कौन है, क्या क्या लेके नहीं जा सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा PDF में, आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं, या आपको सभी RRB जोन पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम का किस तरह से होगा सब दिया हो गया, कॉल लेटर आपको आ जाएगा घर पर, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। और जो मार्क्स का फ्रेंड्स वो आपका इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज होगा, और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा, जो कि 1/3 रहेगा, 3 क्वेश्चन पे 1 गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर है, और आपको जो नाम और जो उम्र वगैरह जो होना चाहिए फ्रेंड्स, वो SSLC मेट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में जो है वही आपको मान्य होगा, वही दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब ऑनलाइन भरिएगा तो,
और अब आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट और क्या क्या है। वैकेंसी जो है फ्रेंड्स वो आपको क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी होगा, पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए सब कुछ अलग से मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है यहाँ पर सबके लिए कितना कितना रहेगा, विजुअल एक्चुटी क्या क्या है सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, और जो नेशनलशिप है वो इंडिया के, नेपाल के या भूटान के या कोई भी हो तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट फ्रेंड्स इसके मैंने बताया कि 1/7/19 से इसका गणना होगा और सबके लिए यहाँ पर दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी में कितना कितना यहाँ पर छूट मिलेगा सब कुछ फ्रेंड देख लीजिएगा आप लोग। और अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स हो गया कि जो लोग अवेटिंग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं फ़ीस का। तो जो एग्जामिनेशन फ़ी है फ्रेंड्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कॉन्सेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जनरल वगैरह के लिए जो है वो आपको जो भी बैकवर्ड क्लास वगैरह है उसको 500 लगेगा, और जो फ्रेंड्स एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसको 250 रुपये लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो पेमेंट का मोड है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या यूपीआई से, या एसबीआई चालान से कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस पर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो क्लोजिंग डेट है वो तो पता ही आपको कि 5 अप्रैल तक क्लोजिंग डेट है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आगे देख लेते हैं क्या क्या, अब जो है यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पर लागू होगा, और यहाँ पर आगे क्या क्या है चलिए और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, आप लोग ज़रूर भरिए, बहुत अच्छा ये मौका है अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो ऑनलाइन लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या आपको सारे RRB के जोन पे ये मिल जाएगा। और आपको जो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा, और जो SC ST का जो आपको फॉर्मेट है वो आपको नीचे सब मिल जाएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेबस का, क्योंकि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, उसमें एग्ज़ाम कैसे होगा। जो उसका ड्यूरेशन रहेगा, जो टाइम रहेगा फ्रेंड्स, वो 90 मिनट का रहेगा, और जो उसमें क्वेश्चन रहेगा वो जनरल अवेयरनेस का 40 रहेगा, मैथमेटिक्स का 30 रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 30 रहेगा। इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट रहेगा, किसके लिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए। वो जो स्क्राइब करेंगे उसको 120 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। उसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, ठीक है फ्रेंड्स। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे फर्स्ट में, उसको जो है सेकेंड CBT के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है कि मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या है, और जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड CBT इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो उसमें क्या क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है इसमें। उसमें भी आपको 90 मिनट का रहेगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो उसमें थोड़ा बेसी रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में 50 रहेगा, मैथमेटिक्स में 35 रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस में और रीजनिंग में 35 रहेगा। इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट टाइम मिलेगा, और PWBD के लिए 120 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 के हिसाब से। इसमें भी पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और कंप्यूटर बेस्ड एबिलिटी जो टेस्ट होगा उसमें जो है ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके लिए होगा अलग से ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए CBAT होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट कम क्लर्क टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर के लिए जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा फॉर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। मार्क्स ऑब्टेन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट, इसका जो है आपको मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको टाइप कैसे करना है, आपको जो है 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना है इंग्लिश में, और हिंदी में टाइप करना है 25 वर्ड पर मिनट, दोनों में कोई एक, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है ऑन पर्सनल कंप्यूटर पे, आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। और जो टाइपिंग स्किल का जो होगा फॉन्ट होगा वो कुर्ति देव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है फ्रेंड्स। और जो होगा ये कुर्ति देव या आपको मंगल दोनों में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो डॉक्यूमेंट उसके बाद जो होगा दोनों एग्जाम के बाद, फर्स्ट CBT और सेकेंड CBT के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। और उसमें जो है यहाँ पर दिया गया है द समरी ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल्स एज अबव फॉर द नोटिफाइड पोस्ट आर
टेब्यूलेटेड बिलो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कैसे कैसे होगा कॉमन, देखिए यहाँ पर जितने पोस्ट हैं यहाँ पर सबके लिए मिला के, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिला के यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट सीबीटी जो होगा फ्रेंड्स वो ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए फर्स्ट सीबीटी होगा, और जो सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा ये देखिए आपको पहला जो है चार जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेंस क्लर्क के लिए जो है लेवल टू का पोस्ट जो है वो सब कुछ सेम होगा, इसमें सभी में जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट है। ठीक है, कॉमर्शियल क्लर्क और जो ट्रैफिक असिस्टेंट इसके लिए जो है सेपरेट फॉर लेवल थ्री और सेपरेट फॉर लेवल फोर, इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। ट्रैफिक असिस्टेंट इसमें टाइपिंग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ सब कुछ दिया हो गया कि इसमें टाइपिंग होगा, किसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर दिखा रहा है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अब जो है लगभग हर एग्ज़ाम में जो है सरकार जो है नॉर्मलाइजेशन का नियम जो है वो लागू करती है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा एग्ज़ाम चलता है, शिफ्ट में एग्ज़ाम चलता है, तो किसी को क्या होता है क्वेश्चन हार्ड मिलता है, किसी को कुछ हल्का मिलता है, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू किया जाता है। और इसका यहाँ फॉर्मूला दिया गया है किस लागू करेंगे, तो खैर ये हम लोग को कोई काम नहीं है, वो सरकार करेगी। और अप्लाई कैसे करना है फिर पता ही, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जो आपको ईमेल वगैरह तैयार रखना है और जो डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करके रखना है ताकि इसमें आप डाल सकें। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स जो आप लोग को जो फोटो अपलोड करना है वो आपको 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में, और जो आपको सिग्नेचर रहेगा वो भी JPEG फॉर्मेट में रहेगा, वो भी 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपको SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जो ट्रेवल फी मिलेगा वो भी अपलोड करना पड़ेगा, वो भी JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा 50 KB से 100 KB के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका स्क्राइब फोटो जो रहेगा वो भी आपको 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा। और चेक अरबी वाइज वैकेंसी आप कर सकते हैं, वेबसाइट मिल जाएगा आपको, क्वालिफिकेशन वगैरह रिजर्वेशन सब कुछ मिल जाएगा, उसमें अरबी वाइज कितना वैकेंसी है और सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पर जो जो था लगभग मैंने बता दिया है आपको मेन मेन पॉइंट, यहाँ पर दिया गया स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोग तो फ्रेंड्स माहिर हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग इतना ऑनलाइन करते हैं कि आप लोग को तो खुद जानकारी है कैसे ऑनलाइन करना है, क्या क्या डालना है, OTP आएगा, क्या करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर आप बोलिएगा तो मैं अलग से वीडियो बना के लाऊँगा ऑनलाइन आवेदन कैसे भरते हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा कमेंट आएगा, ज़्यादा आता है तो मैं जोर से वीडियो बना के लाऊँगा। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है कि फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना रेजोल्यूशन, कितना पिक्सल का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख लीजिएगा, और फ्रेंड्स फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जहाँ तक कोशिश किया मैं आपको जितने भी था नोटिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको दे दिया, फिर फ्रेंड्स को दिक्कत होता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।